हेलो फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आज मेरे व्यूअर के लिए कार्ड ऑफ द डे क्या आता है, क्या डिवाइन मैसेज देती है मेरे व्यूअर को इस फ्यू मिनट्स वीडियो में। चलिए आज का निकालते हैं कार्ड ऑफ द डे। कार्ड ऑफ द डे फॉर माय व्यूअर, फॉर माय व्यूअर, फॉर माय व्यूअर। कार्ड ऑफ द डे फॉर माय व्यूअर, कार्ड ऑफ द डे फॉर माय व्यूअर, फॉर माय व्यूअर। ऑफ द डे फॉर माय व्यूअर, कार्ड ऑफ द डे फॉर माय व्यूअर। हमें मिल गया है हमारा कार्ड। चलिए हम देखते हैं डिवाइन का मैसेज, क्या मैसेज आया है। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। द फूल, विदूषक, ये जो टैरो कार्ड है, द फूल, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर इस कार्ड को आप गौर से देखिए, एक इंसान जो ज़िंदगी को जीत लेने की ख्वाहिश रखता है और जीत सकता है, ये काबिलियत उसमें है। बट द फूल इस मीन्स इज नॉट बेवकूफ, मीन्स इज दुनिया ने जिसे बेवकूफ़ कहा उसी ने बहुत कुछ करके दिखाया। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा इंसान जिसे लोगों से परवाह नहीं है, उसे लोगों के लिए प्रूफ नहीं करना है, उसको खुद को खुद के लिए प्रूफ करना है। ओके, इस मैसेज को अगर आप ले पा रहे हैं, ये कार्ड देखिए, एक इंसान जो अपनी मस्ती मस्त है, गा रहा है, बजा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, फाइनेंशियली भी सेटल है, सेटल हो जाएगा, उसे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज वो इतना कैपेबल है, कॉन्फिडेंट पर्सन का निशानी है ये एक फूल कार्ड, जो बहुत कुछ करने की काबिलियत रखता है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन आप बन सकते हैं, अगर नहीं है तो आप में काबिलियत है कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्ड करने की, जो अभी डाउन चला गया, और आप हैं एक्चुअली। मेरे व्यूअर के लिए यही चीज़ है कि ये कार्ड ऑफ द डे, मतलब आज आप इस एनर्जी को अपने अंदर समेट सकते हैं, ये यूनिवर्स का मैसेज है। आप वो पर्सन बन सकते हैं जो चाहें, वो चीज़ को आप ले लें अपने ज़िंदगी में। ओके, तो ये कार्ड के संग मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये कार्ड इसलिए आपको गाइड करते हैं ताकि आप एक एक स्टेप के संग बढ़ें। फ्यू मिनट्स वीडियो मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि एक एक स्टेप आपको बहुत बिल्ड करता है, एक एक ईंट से मकान बनता है, समझ रहे हैं आप। तो ये इसलिए, बिकॉज इससे आपके टाइम की बहुत बचत होती है और आपको गाइडेंस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये कार्ड आपसे बहुत कुछ कह रहा है। आपको अपने अंदर की हाई लेवल एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है। दुनिया की कहती है उस पर मत ध्यान दीजिए। ओके, अगर यहाँ पर विदूषक नाम है, जो हिंदी प्राचीन सभ्यता में किसी पर्सन का नाम था जो फेमस थे, तो वो उसको भले ही लोगों ने द फूल कहा हो, बट आज उसकी दुनिया से जाने की सैकड़ों पीढ़ी बाद भी उसको, उसका नाम इस कार्ड पर मेंशन किया गया है, तो इससे बेहतर और क्या होगा। इंडियन टैरो कार्ड्स बनाए गए हैं तो उस पर ये मेंशन है नाम, तो इससे ज़्यादा वो इंसान क्या करेगा। आप उसको कुछ भी कहिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है ज़िंदगी में जिन लोगों ने खुद अपनी बायोग्राफी में बताया है कि उनको क्या क्या कहा दुनिया ने, पर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो अगर आप टेंस हैं, परेशान हैं, सपोर्टिव नहीं है, आपके आसपास का माहौल आपको बहुत इरिटेट करते हैं और चीज़ें बहुत अलग वे में हैं, आप उससे परेशान हो जाते हैं, उससे अपसेट हो जाते हैं, तो डोंट वेरी, चिल। जो चीज़ आपके लिए डिवाइन ने डिसाइड कर रखी है अकॉर्डिंग टू टाइम आपके पास आ जाएगी, पर अपनी हाई लेवल एनर्जी से तो कनेक्ट हुई है। हाई लेवल एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी गाइडेंस मिल सके। इसी तरह मैं क्विक रीडिंग लेके आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।